नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। अमित शाह जी के यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, चूंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो लगभग सभी लोग चाहते हैं कि हम आए, और संयोग से वो उनके लक्ष्मण है। ये जोड़ी जब से माँ गंगा ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, उनके साथ भाई अमित शाह जी जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री हैं, बल्कि हम कह सकते हैं भाजपा का के अमित छाप हैं, अमित शाह नहीं है, अमित छाप हैं, वो उनके साथ साथ रहते हैं तो आते हैं तो शुभ ही शुभ होता है। इस बार फिर वो आए, शुभारंभ करके चले गए, कल रोड शो में भी रहेंगे, नामांकन में भी रहेंगे, उसके बाद फिर बम बम हो जाएगा। अशोक जी, भाजपा कह रही है कि हम इस बार 10 लाख से ऊपर का अंतर से चुनाव जीतेंगे, और अजय राय जी जो आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि चपट के चुनाव लड़ेंगे और इस बार चौंकाने वाला परिणाम आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा लक्ष्य है, हम एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं और ईश्वर करेंगे तो पूरा होगा, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, 5 साल में बनारस का कायाकल्प किया है, तो निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है, तो हम इतना मान के चलते हैं कि 10 लाख से हम जीतेंगे। अरे अजय राय के बयान पे जो बोलिए ना, कहें चौंकाने वाला परिणाम। देखिए अजय, ये 2014 से चौंकाने वाला परिणाम ही कांग्रेस का आता है, फिर चौंकाने वाला आएगा, चौचक आएगा, इस बार जमाने चली जाएगी। अरे दो लोग मिलकर लड़ रहे हैं, इसको क्यों भूल रहे हैं? देखिए, दो लोग जब मिलकर लड़ते हैं तो एक पक्ष जो खाली रहता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, और आपकी बहुजन समाज पार्टी के अतहर जमाल लारी जो चुनावी मैदान में है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा की ये बी टीम है, बीच में किसी कारण से उनका टिकट कट गया तो भाजपा ने उनको फिर से टिकट दिलवा दिया ताकि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो जाए और अजय राय और बुरी तरह हारे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अतहर जमाल लारी जन नेता रहे हैं, बनारस से पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं, एक बार 1.5 लाख से ऊपर वोट पाए थे, तो अतहर जमाल लारी कहीं अजय राय से कमजोर नेता नहीं है, विद्यार्थी नेता रहे हैं। हम बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है, लेकिन ये तय है कि अतहर जमाल लारी को तो मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, इसलिए वोट नहीं कर रहा है कि उनको लगता है कि गाजीपुर वाले भाईजान वाले में इन्होंने ही गवाही दिया था, तो इसीलिए भाई जान के लोग पूरे नाराज हैं। अच्छा, अजय राय से बिल्कुल नाराज। अच्छा, उन्होंने सजा कराया इसलिए नाराज? सजा कराया है तो निश्चित तौर पे लोगों को लगता है कि ये भी उतने दोषी हैं, और अतहर जमाल लारी सब पर भारी, लड़ाई मोदी और लारी में होगी, बाकी लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। गरीबों और मजदूरों के मसीहा बता रहे हैं जमाल लारी आपके जो नेता है मुख्तार अंसारी को, और अजय राय उन पर खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं, पिछले चुनाव में तो उनका समर्थन उनको मिल गया था बिल्कुल, और अलका राय ने जब उनको उनकी मौत हुई तो खुल कर बोली, खासकर वो जो भूमिहार वर्ग है वो किसके साथ है? उसका कारण है कि अजय राय चुप है, अखिलेश यादव जो उनके इंडी गठबंधन में, वो सीधे सीधे मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके घर जाते हैं, मातम पोशी करते हैं, वहीं उनका एक पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह के भाई मरे थे तो अखिलेश यादव नहीं गए थे, जब तुष्टिकरण करेंगी तो जनता देख रही है और निश्चित तौर पे मुंहतोड़ जवाब अजय राय को देगी। अजय राय के साथ कल जब नामांकन हुआ तो चाहे सुरेंद्र पटेल हो, चाहे किशन दीक्षित हो जो कि सबसे मजबूत प्रत्याशी रहे सर दक्षिणी के, या जितने भी प्रोमिनेंट लीडर देखिए उनके नामांकन पे नहीं रहे, ऐसा क्या लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ है और सपा उनके साथ है लेकिन संगठन के लोग उनके साथ नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है उनके साथ। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कौन किसके साथ अगर जोड़ा जाए तो बनारस से जो कांग्रेस एमपी रहा राजेश मिश्रा वो हमारे साथ है, दूसरे नंबर पर शालिनी यादव हमारे साथ है, तीसरे नंबर पर अजय राय डंका बजा रहे हैं तो हंसी आती है ना। इस बार निश्चित है कि उनकी लंका जल जाएगी, इसमें कोई राय नहीं। स्वतंत्र प्रकाश आपके साथ है, राम प्रकाश ओझा आपके साथ है, पूरी कांग्रेस को आप अपने साथ ले लिए हैं, औरंगाबाद हाउस के भी बहुत बड़े नेता सुने आपके साथ आ गए, तो पूरी कांग्रेस आपके साथ है, तो अजय राय के साथ कौन कांग्रेसी है? हाँ, अजय राय के साथ कोई कांग्रेसी नहीं है, मेरा कहना है कि हाशिए पे है कांग्रेस, अजय राय जी भी हाशिए पे लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो राहुल गांधी रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं उनका हश्र क्या होने वाला है? राहुल गांधी जी हार के बरनाथ चले गए,
उनकी माता जी हार के डर से राजस्थान चली गई, फिर क्या समीकरण बनता है। उनके जीजा जी स्वयं टिकट मांग रहे थे अमेठी से, उन्होंने राहुल गांधी जी ने अपने जीजे का टिकट काट के उनके ड्राइवर को दे दिया शर्मा को, तो वो तो उनकी अपनी लड़ाई है। मेरा ये कहना है कांग्रेस डरी हुई है और निश्चित है हमने इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पूर्वांचल में सुन रहे इंडिया गठबंधन की वजह से आपकी स्थिति थोड़ी सी टफ हो रही है, आजमगढ़ की बात की जाए, मऊ की बात की जाए, गाजीपुर की बात की जाए, तो यहाँ आप बहुत टफ लड़ाई में है। बलिया में भी यही हालत आप लोगों की है। देखिए लड़ाई टफ होती है तभी मजा आता है, जबकि कोई लड़ाई टफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितने जो सीट जीती थी उससे भी ज्यादा इस बार पूर्वांचल में जीतेगी। चंदौली में वीरेंद्र सिंह ने जाके पूरी लड़ाई फंसा दिया है। देखिए आपको लगता है ना जिस लेकिन जब नामांकन पिछली बार 12,000-12,500 वोट से मंत्री जी चुनाव, हाँ, तो इस बार जो है वीरेंद्र सिंह के जाने से पूरा एक इस बार और ज्यादा वोटों से महेंद्रनाथ पांडे जीतेंगे। आपके सामने आपके चैनल को हम कहना चाहते हैं कल नामांकन नहीं बता दिया कि महेंद्रनाथ पांडे विजयी होंगे। आप क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर